उत्तराखंड उधर बाइक ले जाओ तो गाड़ी के पीछे लगा जा। यस सर। अच्छा ये एक किलोमीटर पे रहना है आप, यहाँ रुकना हमारा सेफ है। हमको ना अरे ना ना हमें पता है। अच्छा कौन कहाँ आ रहा है मुझे पता है। आप सुबह भरी नहीं आते हैं। लद्दाख लद्दाख से आए। हाँ इसमें टेंट है, इनमें कपड़े हैं, उनमें लैपटॉप है। ये दिल्ली मुंबई के लोग तो बहुत टूटते हैं। चलिए अब मोहब्बत कश्मीर में ढूंढते हैं। सो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज ना मैं सोनमक से जा रहा हूँ आपके श्रीनगर की तरफ, और जो रास्ता है ना बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, और जो नज़ारा है ना देखने लायक है। तो आज ना हम जाने वाले बहुत सारे अच्छे रास्तों से गुजरते हुए सोनमर्ग से होते हुए श्रीनगर को, और बीच बीच में ना आपको बहुत सारी खूबसूरत सी वादियाँ दिखाएंगे। जिस तरीके से घोड़ा दौड़ रहा है उससे और आगे बहुत सारे प्यारे प्यारे नज़ारे हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो मेरे चैनल पे ना बनी रहिए और चलते हैं आगे को और दिखाते हैं आपको कुछ खूबसूरत से नज़ारे। वैली बहुत खूबसूरत है, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ेदार वैली है, बहुत खूबसूरत वैली है। यहाँ कैंप साइट भी है आपको, साइड में कैंप साइट भी दिख जाएंगे, लेकिन आप बढ़ते हैं आगे को और चलते हैं। तो थोड़ी सी खूबसूरती नज़र आई है और हल्के हल्के बादल हटे हैं ना, तो हल्की सी खूबसूरती नज़र आई कश्मीर की, और आगे तो और बहुत कुछ है देखने के लिए। बगल में नदी बह रही है तो उसका ना जो साउंड है और जो खूबसूरती है ना वो देखने तालीम देखने काबिल है। और भाई एक सोनमर्ग में ना मेरा रुकने का मन किया था, लेकिन हमारा ना प्लान रहता था हमने यहाँ से निकलना था और जल्दी से पहुँचना था आपका श्रीनगर। और ये लोकेशन ना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें खूबसूरती के आगे ना हमको अपने समय को बचाना है और इस लोकेशन से निकलना है। जल्द से जल्द हम आज पहुँचेंगे श्रीनगर। तो ना अभी हम जलेबी खाने के लिए रुक गए थे एक जगह, यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करी है और यहीं पे थोड़ा सा आगे जाके एक छोटी सी दुकान दिखी थी जहाँ जलेबी और समोसे बने थे। तो हमने सोचा कि जलेबी और समोसे खाते हैं और थोड़ी सी चाय पी के आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर गरम गरम जलेबी मिले तो ही खाने का मजा है। तो भैया दही जलेबी और चाय पी के ना बढ़िया करके पेट भर गया है, और वापस गाड़ी मुड़ा के हम जा रहे हैं अपने रास्ते श्रीनगर को। तो अभी हम निकल पड़े अपने रास्ते, श्रीनगर वाला रास्ता है, और श्रीनगर वाले रास्ते में जाते ना आपको जगह जगह पे 50-100 मीटर पे आर्मी के जवान आपको यहाँ दिख जाएंगे। और ये सारी इसलिए हो रही है ताकि हमारा जो कश्मीर है, हमारा जो जम्मू है वो सेफ रहे हमारे ही अपने दुश्मनों से, और इसलिए ना ये चीज़ करना पड़ जाता है। देखो वरना यहाँ इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी। इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी प्यारी जगह है, और यहाँ जगह जगह पे तैनात करनी पड़ी है सेना को। तो भैया हम पहुँच गए कंगन, और कंगन में ना हम अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय पीने का मन था, लेकिन ठीक हुआ यार इतनी सुबह से चाय पी लिए ना अब चाय पीने का मन कर नहीं रहा था, और थोड़ा हल्का हल्का गर्म भी लग रहा था, तो हमने सोचा एक कोल्ड ड्रिंक पी ले जाए। थैंक यू। तो भैया शॉप बेचने के लिए आए थे, हमने मना कर दिया। और हमारे साथ ना हमारा भाई तो रोहित और विक्की, और रोहित के ना आज हो गए हैं 1,00,000 सब्सक्राइबर, तो आज रात हमारे होगी पार्टी। तो भैया कोल्ड ड्रिंक पी के ना आगे को चल दिए हैं और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम। लगभग 26 किलोमीटर और बचा हुआ है हमारा आपके कारगिल सॉरी हमारा श्रीनगर का रास्ता, जल्दी से श्रीनगर पहुँचते हैं, उसके बाद ना आपको दिखाते हैं वहाँ के बोट हाउस और डल लेक। जाना है क्या वहाँ? उत्तराखंड।
जी हाँ सर। बाइक ले जाओ तो गाड़ी के पीछे लगा चला जाओ। यस सर। वापिस जाना मतलब? समझा दिया मैंने। अच्छा, ये 1 किलोमीटर पे रहना है आपको। सुबह कानवाई के साथ आप सेफ्टी कुछ कानवाई निकलती है यहाँ से, यात्रा की कानवाई होती है, सिक्योरिटी होती है उनके साथ में, कोई टेंशन नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं। इस वक्त मत है इसको, प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, आप ही को प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। सुबह 7 बजे आप निकल सकते हो आराम। यहाँ रुकना हमारा सेफ है? यहाँ 1 किलोमीटर दूरी पे राइट साइड वहाँ पे बेस कैंप बना हुआ है, खाने की सुविधा है, रहने का इंतज़ाम है, पूरा कुछ है। बाइक अंदर लगा के आप वहाँ रह सकते। आर्मी का ही है? आर्मी का है, पुलिस है, आर्मी है, सीआरसी है, सब कुछ है, स्कूटी है लगी हुई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 किलोमीटर के राइट साइड में आपको दिख जाएगा वहाँ पे लगा हुआ बोर्ड, बोर्ड लगे हुए हैं, खाना वाना सब कुछ फ्री है, कोई टेंशन नहीं। सुबह वहाँ से भी गाड़ियाँ निकलती हैं, यात्रा सुबह स्कूटी होती है पूरे रोड पर, कहीं कोई खतरा वतरा कुछ नहीं। अच्छा, अभी अभी सिक्योरिटी हट गई होगी तो? हाँ, उसी कारण आपको किसी को भी नहीं, क्योंकि अभी जब हम आ रहे थे तो हमको सिक्योरिटी दिखी थी बहुत जगह सारे उस लाइन में, तो पूरी सिक्योरिटी। ये उस इस साइड में है ना, इस साइड में यात्रा का ज़्यादा रखना तो होती है, लेकिन इससे आगे आगे जो है ना, इससे आगे नहीं होती। अच्छा, कम होते हैं ना दबाव, इसलिए ये कैंप वैम्प जो है यहाँ ही है रात को ठहरने के लिए, इसलिए यहाँ पर। अच्छा, वो यात्रियों के लिए बना हुआ। हाँ, रियाज दिक्कत तो हर जगह हो सकती है, ऐसे ही रोकते हैं ना, ऐसे जैसे हम रोकते हैं ना, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े पॉइंट्स लगे हुए हैं। अच्छा, जो आगे नहीं जाएंगे और वो हमें बोलेंगे आपने छोड़ो, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी ना 15 किलोमीटर पहले ना हमको रोक दिया पुलिस ने, कि बोलते कि आप आगे सीआरआर नहीं जा सकते हो, क्योंकि आगे आपकी जान खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका नीचे बेस ट्रेन बने हुए हैं, ये जो अंदर अब आपको आ गया था पहले? हमें पता है ना क्या है। अच्छा सर। अच्छा, तो आपने उन्होंने आपको बोल दिया होगा कि ऐसे 3 लड़के आ रहे हैं? ना ना, हमें पता है। अच्छा, कौन कहाँ आ रहा है हमें पता है। आप हमें इसके अलावा आपको जाना नहीं है? आज भी आर्मी की रोटी खाएंगे। आर्मी तो है नहीं, आपके लोकल है भंडारे वाले। अच्छा, भंडारे वाले ना, वो आर्मी नहीं है। अच्छा अच्छा, आर्मी की रोटी खाएंगे आज। वो भी है, वो भी खा। नहीं, हम लेह लद्दाख करके आ रहे हैं। लेह लद्दाख, लेह लद्दाख से आए? हाँ, एडवेंचर। हाँ, हम जा रहे थे श्रीनगर, हमको बोला कि वापस आ जाओ यहाँ पे बेस कैंप है, यहाँ रुक जाना आराम से। बैग चेक करवानी हर एक को? हाँ हाँ, श्योर। क्या चेक कराना? बैग, बैग चेक कराना। सब उत्तराखंड वाले? देहरादून से नहीं है, हम नैनीताल वाले। वो है भाई पौड़ी गढ़वाल से, हम लोग हैं। भाई फाइनली ना आ गए हैं आपके श्रीनगर से, पहले पहले रुक गए हैं एक बेस कैंप है। एक्चुअली ये हमारे अमरनाथ यात्रा के लिए जो श्रद्धालु थे ना,
अमरनाथ के जो श्रद्धालु थे उनके लिए बना हुआ था, तो उन्होंने बोला कि पुलिस वालों ने बोला कि आप एक काम करो बेस कैंप चले जाओ, आप सेफ रहोगे। और हम यहाँ आ गए और यहाँ हमारी चेकिंग वगैरह हुई। अब हम अपना कोई देखते हैं टेंट वगैरह लगाते हैं कहीं पे, या टेंट लगे हुए वहीं अपना रहने का आज का इंतजाम करते हैं। और इस तरीके का आपको यहाँ रूम मिल जाएगा और खाली है सारी बेड है। भैया आप लोग कहाँ से? बठिंडा से। हेलो जी, बताइए। हम आए हैं नैनीताल से। नैनीताल से जी, आगे जा रहे हो? नहीं, हम आए थे एक्चुअली लेह लद्दाख करके, श्रीनगर जा रहे थे। आगे पुलिस ने रोक दिया और बोल देने का था कि वापस आओ। क्या कि आगे कुछ भी हो सकता है, पीछे बेस कैंप आप वहाँ चले जाओ। आप जा रहे हो या जा रहे हैं? कल की यात्रा प्लान है हमारी। अच्छा अच्छा, बताएंगे कल का क्या सिस्टम है। हम आ रहे थे ना रास्ते से, वो कह रहे कि सेविंग तो शायद लगभग पूरी हो गया, वो तो हो गया, दर्शन तो हो जाए। चलो ठीक है, अब ले हाँ ले लद्दाख करके वापसी से देखिए। आज कांडा वाला वहाँ श्रीनगर में बोट हाउस में चलने का, यही बोट बना दी हमारी। उस टाइम तो रास्ते और ऑफ रोड होंगे। हाँ फुल पावर, जो नुब्रा से पैंगोंग वाली रास्ता है हाँ। और जो पैंगोंग से चांगला वाला रास्ता है, नुब्रा वाला तो बिल्कुल खत्म है, मतलब वही था हमारे लिए एक्सट्रीम। हाँ वो एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग थी हाँ। और बाकी पांग से पहले पहले थोड़ा रास्ता ऑफ रोडिंग था। हमको 7 या 8 तो आप जाते हो मनाली वाली साइड से? हम मनाली से होते हैं, वहाँ सही था। मैं ठीक भैया, अंकल लोग मिल गए थे, अंकल लोगों से ना बहुत सारी बातें हुई। अब क्या है, अब यहाँ कोई भी बैठ पकड़ लो और अपना चार्जर देख लो पास में, जहाँ चार्जर होगा ना वहाँ चार्ज करके मोबाइल अपना काम वगैरह करेंगे, चेंज करते हैं, नहाना धोना करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। देंगे हम बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, सुनो इसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि पुलिस वालों ने कहा था कि आप वहाँ जाना है, मेरा भी कैमरा है, कोई पैसा नहीं देना। आप कहोगे तो मैं भी रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ। वो बात नहीं है, आप पुलिस वाले से। चलो कोई नहीं, हम हमसे बाहर ही हो रहा है। मैं हाँ उनसे उनसे पहले बात, आप ये बता दो कि पैसा पड़ता है, मतलब पड़ता है इसमें बता दो एक बार। हाँ है ना, कितना टेंट चार्ज भरना पड़ता है? कितना है? 100 रुपये पर बेड की। 150 रुपये पर बेड आपको भरना पड़ेगा? हाँ भरना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो ये कह के भेजना है। आपको कुछ नहीं देना, पैसे कितने देना, आप वहाँ जाना रहना और सुबह वापस मेरी बात ले जाना। बात सुनो, पहले उनसे बोलो, वो हमें बोल रहे हैं यहाँ पे चार्ज यही है ना, अगर वो बोलेंगे इनको फ्री छोड़ दो, क्योंकि हम लोग ना हम लोग यहाँ खुद रुकने क्या मसला है, हमारी ड्यूटी है यहाँ पे, हमें थोड़ी वो जेब में रखनी है। अगर आप पर्ची काटेंगे उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब आएगा, वो चेक करेंगे आपके सर, उनसे पहले बोल। क्योंकि हमको तो ये कह के भेजा ना कि आप आगे नहीं जा सकते, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, आपका खाना पीने का सब व्यवस्था यहीं हो जाएगा, तो कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं, कुछ भी देने की जरूरत नहीं। अब ये कह के फिर हमको यहाँ भेज दिया, उसे भी हमसे चार्ज कर दो, भरना पड़ेगा हर किसी। चलो एक बार उनसे बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं हम। 8 बजे 8:30